दोस्तों, यह वीडियो आसिफ अली की वीडियो रिक्वेस्ट पर बनाई है। अगर आप भी किसी टॉपिक पर कोई वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखें। तो आज हम बात करेंगे इमोशंस यानी भावनाओं के बारे में। अगर डेफिनेशन की बात करें तो विकिपीडिया भी यही कहता है कि इस शब्द का कोई सटीक अर्थ नहीं है, पर ऑक्सफोर्ड की माने तो भावना एक ऐसी स्ट्रांग फीलिंग है जो किसी इंसान की परिस्थितियों, मनोदशा या दूसरों के साथ संबंधों से उत्पन्न होती है। तो अगर यह एक फीलिंग है तो आपको इसको रोकने के बारे में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो आपका संतुलन बिगड़ जाएगा। लेकिन अधिक इमोशनल होने पर भी आपका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इमोशनल लोगों को हर कोई आसानी से समझ नहीं पाता और फिर वह दुखी हो जाते हैं। जीवन में संतुलन अर्थात बैलेंसिंग बहुत जरूरी है। अति में क्षति है, यानी ज़्यादा होना हमेशा खतरनाक है। जैसे भोजन खाने से ऊर्जा मिलती है, लेकिन वही भोजन अगर ज़्यादा खा लिया तो विष बन जाता है। कोई भी फीलिंग हो, उसको एक सर्कल पूरा करना होता है। उदाहरण के तौर पर आप मान लो किसी गार्डन में घूम रहे हैं, वहाँ पर आपने एक बेहद खूबसूरत गुलाब का फूल देखा। यह डाटा आपकी आंखों से माइंड तक गया तो माइंड ने बैक रिस्पॉन्स दिया कि आप चाहो तो इस फूल को टच करके देख सकते हो। टच करने पर जो वेव्स वापस माइंड तक सिग्नल लेकर जाएगी, वह एक सर्कल पूरा करती है, और सर्कल पूरा होने पर एक अच्छा सा एहसास होता है। अब अगर इसको उल्टा कर दें, आप कंट्रोल करके फूल को बिना टच के आगे बढ़ जाएं, तो वह सर्कल पूरा नहीं हो पाएगा। सर्कल पूरा ना होने पर आप भले कितना भी गार्डन में घूम लो, आपके अंदर कहीं ना कहीं एक भावना रह जाती है कि काश मैं उस फूल को एक बार टच कर लेता। दोस्तों, यही तो समझने वाली बात है। मैंने पिछली वीडियो में आपको सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बताया था। अब जो भी गार्डन में हुआ है, आप किसी तरह सर्कल पूरा नहीं कर पाए हैं, तो यह डाटा सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच जाता है, और सबकॉन्शियस माइंड उस चीज़ को तब तक रिपीट करता है जब तक आपसे पूरा नहीं कर लेते। यानी जाने अनजाने में जब आप कुछ दिन बाद अचानक उस जगह पर जाओगे तो कुछ ऐसा होगा। पहला, आप उस फूल पर देखेंगे। दूसरा, आप उस फूल को टच करेंगे। और तीसरा, उसी के जैसे किसी फूल को टच करके आप यह सर्कल पूरा करेंगे। और अगर फिर भी आपकी इच्छा पूरी नहीं हुई तो रात को आप सपने में उस इच्छा को पूरा करके यह सर्कल पूरा करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि इन सब का इमोशन से क्या ताल्लुक। यही तो समझना है, जो भी कार्य आप करोगे आपको एक प्रतिक्रिया की जरूरत होगी। अगर किसी क्रिया की प्रतिक्रिया ना मिली तो वह डाटा सबकॉन्शियस माइंड तक जाएगा। डाटा सेव होने पर वह किसी न किसी रूप में बाहर जरूर आएगा, जिसे हम इमोशंस कहते हैं। खुश होना, दुखी होना, डरना, गुस्सा आना, यह सब इमोशंस हैं। माना कोई इंसान 10,000 कदम वॉकिंग करना चाहता है, तो क्रिया यानी वॉकिंग करना, और प्रतिक्रिया तब बाहर आती है जब स्मार्ट वॉच पर वह 10,000 लिखा देखता है। अगर वह खुशी से जंप करने लगा तो सभी को पता है वह खुश है, तो यह एक इमोशन है। दोस्तों, इमोशन एक डाटा कोडिंग है। अगर यह डाटा सेव नहीं होता तो हम क्यों कह रहे होते कि इमोशन बाहर आ रहे हैं। गुस्सा, दुख, सुख, यह सभी बाहर जरूर आते हैं। अगर नहीं आए तो संतुलन बिगड़ जाता है। जैसे गुस्सा बाहर निकलता है फेशियल एक्सप्रेशन से, बॉडी लैंग्वेज से, या फिर बोलने के तरीके से। अब कोई इंसान आखिर कैसे इमोशनल बन जाता है, इसकी शुरुआत इन्हीं छोटी चीज़ों से होती है। जहां आपका सबकॉन्शियस माइंड एक बार डाटा इकट्ठा करना शुरू कर लेता है, वहां उसी तरह की चीज़ें लाइफ में भी होना शुरू हो जाती है। जो लोग इमोशनल डाटा माइंड तक भेजते हैं, वही कहते हैं कि आज जब मैं ऑफिस जा रहा था तो वहां पर एक गरीब बच्चा देखा, मेरा दिल वहां पर बहुत रोया। दोस्तों, गरीब बच्चा तो हमेशा से ही वहां पर था, लेकिन आपने उसको गौर करना तब शुरू किया जब आपने इमोशनल बनना शुरू किया। जो लोग इमोशनल नहीं है, फर्क सिर्फ इतना है कि वह गौर नहीं कर रहे हैं। इमोशनल इंसान म्यूजिक, बुक्स, मूवीज, सारा कुछ चूज भी इसी तरह से करता है, जिससे वह और ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। दोस्तों, यह फीलिंग आपके जीवन पर बहुत बड़ा असर डालती है। किसी चीज़ से प्यार करना अलग होता है, पर किसी एक चीज़ पर इमोशनल होकर अपने प्रेजेंट पर ध्यान न देना बहुत खतरनाक है। जब आप किसी से बेहद प्यार करते हैं तो माइंड को बराबर डाटा मिलता रहता है, और माइंड मान लेता है कि आप उसके लिए इमोशनल हैं। इमोशनल होना फैमिली के लिए, फ्रेंड्स के लिए कोई गलत नहीं है, क्योंकि यह भी एक जरिया है जो फ्यूचर में यादों के रूप में आपको हमेशा खुशी देगा। पर हर एक चीज़ को लेकर इमोशनल होकर अगर आप केवल सबकॉन्शियस माइंड को ही एक्टिव रखोगे, तो ऐसे में आपका ध्यान वर्तमान से हट जाएगा, क्योंकि कॉन्शियस माइंड एक्टिव नहीं होगा। जैसे आप एक घोड़े पर सवार हैं, माना कि घोड़ा आपसे ताकतवर है, पर फिर भी आप उस पर कंट्रोल कर रहे हैं। आप कॉन्शियस माइंड है और घोड़ा सबकॉन्शियस माइंड है। सबकॉन्शियस माइंड आपके कॉन्शियस माइंड से बहुत ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन फिर भी कॉन्शियस माइंड उसको कंट्रोल कर रहा है। अब आप खुद समझ गए होंगे कि अगर घोड़ा आपकी बात मानना बंद कर दे तो आपको कितना चोट पहुंचा सकता है।